बांदा जनपद के कमासीन ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मुसीवा में मां शारदा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित वैष्णवी दुग्ध कलेक्शन केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का शुभारंभ कमासीन ब्लॉक के मनोज कुमार व भरत द्विवेदी बीएमएम के द्वारा पूजा अर्चना कर फीता काट कर किया गया। गांव में इस केंद्र के चालू होने से जहां समूह की महिलाओं को रोजगार मिलेगा तो वहीं क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा। जिन लोगों को दूध इकट्ठा कर बाहर ले जाना पड़ता था अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं दूध का उचित मूल्य मिल सकेगा। इस दौरान समूह व गाँव की दर्जनों महिलाएं मौजूद रही। सब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? हमारी समूह की वजह से दूध की डेयरी लगी हुई है तो इस वजह से हम सब लोग इकट्ठा हुए, बुलाया गया कि मतलब दूध की डेयरी शुरू हुई है तो इसको देखने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। ये किस समूह से खोली गई है? किसने खोला? ये वैष्णवी माँ वैष्णवी समूह से खोली गई है। पहले हम लोगों को मतलब ये सब कुछ नहीं था पता, फिर आशा दीदी हमारी जो है तो मतलब खड़ी हुई इसके लिए, तो हम लोगों को भी ये समझ में आया कि मतलब इससे लाभ है और हम लोगों को लाभ हो सकता है, हम और भी कुछ लाभ कर सकते हैं। जो लाभ बाहर जा रहा है उसे हम अपने गांव में ही अपने बहनों के बीच ही लाभ कर सकते हैं। तो इसका लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? इसका लोगों को भी फायदा मिलेगा, जो हमारा दूध 35 में जाता था अब हमारा सही उचित मूल्य पर दूध जाएगा तो हम लोगों को फ़ायदा तो होगा। जो हमारा 35 में जाता था यहाँ 50 में जाएगा तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, उनको भी फायदा, हमें भी फायदा होगा। तो आपने ये कार्य कैसे शुरू किया, कैसे आप लोग कि हम ये कार्य करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको कैसी प्रेरणा मिली है? किसी सुनते थे पहले तो नहीं ये था कि मतलब कर पाएंगे, झिझक थी, फिर हमारे मतलब ब्लॉक से भी हम लोगों को उत्साहित किया गया कि आप लोग करिए, हम लोग सहयोग करेंगे, तो हमें मतलब उत्साह मिला और हम ये कार्य करने के लिए निर्णय लिया कि इस कार्य को किया जाए, इससे हमें लाभ होगा। जब इस समूह से आप नहीं जुड़े थे इसके पहले आपका जीवन यापन कैसे होता था? कैसे जब इस समूह से नहीं जुड़े थे तो हमें बाहर निकल करके आने का कोई समूह पता ही नहीं होता था, घूंघट के अंदर रहना है और गांव के बाहर निकलना नहीं तो कुछ क्या होता है, क्या लाभ होता है, क्या हान होता है, घर के अंदर ही रहना था, हमें तो कुछ पता नहीं था। पर अब जब समूह से निकले बाहर गए तो पता चला कि मतलब इससे कुछ कर सकते हैं, कुछ लाभ ले सकते हैं, तो हमें पता चला। नहीं पहले क्या था, रोटी बनाना था और घर में खाना था, चौका बर्तन करना था, बच्चों को खिलाना था बस।